स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। तो इस सवाल का जवाब में लिखेंगे, अधिकतर नेता क्या करते हैं, राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नजदीकी सदस्यों को स्थान दे देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनुभवहीन होते हैं तथा सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है। इसे ही वंशवाद की चुनौती कहा जाता है। वंश का मतलब होता है, जैसे पहले होता था राजा, तो राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। फिर उसका आने वाला बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। यही था वंशवाद। और यहाँ पर भी वही होता है, राजनीति में कई बार क्या होता है, अपने दोस्त रिश्तेदार या अपना चीन परिचय को ही जब नेता बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वंशवाद कहते हैं। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे और सवाल आपको चाहिए जवाब, तो आप अपना खुद का सवाल कमेंट कर सकते हैं।